ले पहुंचते ही आपको एक्लिमेटाइज होना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब यहाँ के एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना, क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम होने लग जाता है। इसीलिए जब भी आप ले पहुँचो 1 से 2 दिन का रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, और आप अपनी जर्नी 3rd डे से स्टार्ट करो लद्दाख की। नुब्रा वैली, ये ले से कुछ 155 किलोमीटर के अराउंड नॉर्थ की तरफ पड़ता है। ले से ड्राइव करते हुए पहले आप खरदुंगला पास पहुंचते हो, और उसे क्रॉस करते ही खलसर आता है। खलसर से 2 रोड्स डिवाइड हो जाती हैं, एक शायक रिवर के डायरेक्शन में जाती है और दूसरी नुब्रा रिवर के डायरेक्शन में। तो हम लोग खरदुंगला होते हुए शायक रिवर की तरफ के अट्रैक्शंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं खरदुंगला पास, जो कि 17,582 फीट की हाइट पे है। और खरदुंगला की ड्राइव दुनिया की सबसे सुंदर ड्राइव्स में से एक है। स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, मैं आपको वो भी व्यू दिखाऊं, तो कुछ ऐसा है। और इस जगह की खास बात ये है कि ये वर्ल्ड की 2nd हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। और यहाँ पे 20 मिनट से ज़्यादा स्टे करना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा लो होती है, और ज़्यादा देर स्टे करने की वजह से आपको एक्यूट माउंटेन सिकनेस हो सकती है, जैसा कि इस बोर्ड में लिखा हुआ है। तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे आने का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होता है, जो आप यहाँ पे आके ही एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो ये सफ़र खलसर होते हुए शायोक रिवर के टूरिस्ट अट्रैक्शंस की तरफ बढ़ता है, और सबसे पहले हम चलेंगे खलसर, जहाँ की ATV राइड सबसे ज़्यादा फेमस है। एंड वन मोर थिंग, खरदुंगला आने के लिए आपको इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसे आप ऑनलाइन भी करा सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और बाकी आप ले पहुँचने के बाद यहाँ के लोकल से बात करके भी करा सकते हो। खलसर एक छोटा सा विलेज जो कि 95 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पड़ता है ले से। यहाँ पे आप 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेके लंच वगैरह कर सकते हो, और वापस से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो डिस्किट मॉनेस्ट्री के लिए। तो खालसर में हम लोगों ने लंच कर लिया था, और अभी हम लोग एक स्पॉट है जहाँ पे ये। तो खलसर से 15 से 20 मिनट का ट्रैवल करके आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी नैरो रोड दिखेगी, जिसके लेफ्ट और राइट में आपको वाइट सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं, और इस प्लेस की ATV राइड सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो इन केस अगर आप ATV राइड लेना चाहते हो तो आप यहां पे रुक सकते हो। और अभी इसके बाद हम लोग डिस्किट मॉनेस्ट्री जा रहे हैं, और फिर हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, जो है डिस्किट मॉनेस्ट्री, और उसके बाद हम ट्रैवल करेंगे हुंडर। तो अब हम पहुंचे हैं डिस्किट मॉनेस्ट्री। ये कुछ 350 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जिसके टॉप से आप पूरा नुब्रा वैली देख सकते हो। हाय शैली, तो अभी हम लोग कहाँ पे आए? डिस्किट वैली, एंड वी आर गोइंग टू विजिट टू द बुद्धा टेंपल, नॉट द बिगेस्ट बुद्धा। सो दिस इज इन नुब्रा वैली, डिस्किट मॉनेस्ट्री। डिस्किट मॉनेस्ट्री पहुंचते ही आपको 33 मीटर हाइट का मैत्री बुद्धा स्टैचू देखने को मिलता है। जब आप एंटर करते हो तो ये आपको बहुत दूर से ही दिख जाता है। लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू इतना ज़्यादा खूबसूरत है, और ये आपको शायोक रिवर और नुब्रा वैली फेस करता हुआ दिखाई देगा। लॉर्ड बुद्धा के स्टैचू के पीछे की तरफ आपको हुंडर विलेज देखने को मिलता है, और आप भी यहाँ के टॉप से नुब्रा वैली को बहुत अच्छे से देख सकते हो। डिस्किट घूमने के 8 से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद आप पहुंचते हो हुंडर, जहां पे आपको सफ़ेद रेत और हाई माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, और ये लद्दाख की सबसे खूबसूरत प्लेसेस में से एक है।
ऐसे व्यूज आपको कभी कभी अनरियल लग सकते हैं, बट ये एकदम रियल व्यूज हैं। सैंड ड्यून्स पहुंचते ही आप अपनी व्हीकल इस डायरेक्शन में पार्क कर सकते हो और इधर आके आप लैंडस्केप का मजा ले सकते हो। होंडर की दो बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं कैमल और एटीवी राइड। यहाँ की एटीवी राइड कुछ 1500 के पड़ेगी, तो चाहो तो आप यहाँ पे कर सकते हो या फिर खलसर में। वैसे तो कैमल राइड आप बहुत जगह की कर सकते हो, बट यहाँ के कैमल काफ़ी स्पेशल हैं। ये डबल हम्प कैमल हैं क्योंकि इनके पीठ पे दो हम्प होते हैं। मैंने राइड नहीं ली क्योंकि मैं एनिमल्स के ऊपर नहीं बैठता, बाकी आपकी चॉइस है। और अगर आपका मन एटीवी राइड या कैमल राइड करने का नहीं है, तो उसके बाद भी आपके पास तीसरा ऑप्शन है। आप सैंड ड्यून्स में अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, सनसेट देख सकते हो, और उसके बाद आप 2 किलोमीटर का ट्रैवल करके डेजर्ट कैंप्स में स्टे भी कर सकते हो। यहाँ का टेम्परेचर कुछ माइनस में था, बट गर्म पानी की और इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हमें नहीं हुई क्योंकि यहाँ की फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो अभी हम लोग पैराडाइज नॉर्थ में हैं, जो नूबरा में ही पड़ता है। जैसा कि हम लोगों ने कल नूबरा एक्सप्लोर किया था ना, तो स्टे भी हम लोगों ने यहाँ पे कैंप्स में ही किया था, और वहाँ पे हमें डिनर और ब्रेकफास्ट वो हम लोग का यहाँ पे ही था। इवन नाइट स्टे जो आज का है ना, वो भी हमारा यहाँ पे ही होगा। जैसा कि यहाँ पे यहाँ का तो एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया गया। नूबरा वैली बहुत ज़्यादा खूबसूरत है जैसा कि आप देख पा रहे हो, और जो कैंप्स हैं ना वो हमारे यहाँ पे हैं, तो यहाँ से आप व्यू देख सकते हो। ये ऐसे रोड जा रही है ना, ये पैराडाइज नॉर्थ कैंप है, वो सामने बोर्ड लगा हुआ है, अंदर जाओगे पैराडाइज नॉर्थ कैंप है। तो ये एप्रिकॉट ट्री है। एप्रिकॉट जो है ना नूबरा में बहुत ज़्यादा फेमस है, और इनफैक्ट हम टूटुक विलेज जा रहे हैं ना, वहाँ पे भी एप्रिकॉट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं इसको ना, टेस्ट कैसा है इसका। पहले मैंने सोचा था ना कि मैं खाऊंगा, ऐसे फील हो रहा था कि ये खट्टा होगा, बट बहुत मीठा है, बहुत मीठा। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये छोटे छोटे घर बने हुए हैं माउंटेन्स के नीचे, और यहाँ पे साथ ही साथ काफ़ी सारे आपको लोगों के रिजॉर्ट भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग भी देखने को मिलती है। तो एक छोटा सा आप एक्सपीरियंस ले सकते हो हुंडर में आके और डेजर्ट कैंप्स में स्टे करके। तो ये ना, ये छोटा सा फार्म हाउस है, और यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे ये बंद गोभी आपको देखने को मिलती है, सरसों है, पालक है, तो ये सब कुछ ऑर्गेनिक एकदम प्रोड्यूस हो रहा है और आपको खाने को मिल रहा है। तो अभी हम लोग ना टूटुक विलेज जाएंगे। टूटुक विलेज कुछ आई गेस 80 किलोमीटर्स होगा यहाँ, और टूटुक विलेज जो है वो इंडिया पाकिस्तान का LOC जो है वो वहाँ से 2.5 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर पड़ता है। तो अभी हम लोग वो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो दैट वे इट्स अ लास्ट विलेज। ये नदी फेंसिंग है सर, इंडिया और पाकिस्तान। ये नदी का नाम है शायोग। हाँ, शायोग, 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 शायोग। हाँ, ये पानी जो है नूबरा से चाह रहा है, अपना है इंडिया का।
वो पूरा नदी पाकिस्तान।